एच सी एफ अब आपके पास में एचसीएफ इफ द एचसीएफ इज इफ द नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इन दैट केस यू विल टेक द मिनिमम पावर एलसीएम में क्या ले रहे थे हम मैक्सीम पावर ले रहे थे ठीक है इन केस ऑफ एचसीएफ यू विल टेक द मिनिम पावर सो हिस्स द एचसीएफ विल बी वर्थ अब पहले देखेंगे टू टू रेस टू पावर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है आपके पास टू थ्री एंड हेयर इट इज वन सो यू विल टेक टू टू रेज टू पावर वन और यू कैन सी दिस इज देन थ्री थ्री रेज टू पावर टू पावर थ्री रेज टू पावर वन अगेन यू विल टेक वन देन फाइव फाइव रेज टू पावर वन फाइव रेज टू पावर टू फाइव रेज टू पावर थ्री सो फाइव रेज टू पावर वन मिनिमम लेना है आपने

ओके सो दिस इज इलेवन डेज टू पावर जीरो इलेवन डेज टू पावर वन मिनिमम क्या है जीरो तो इलेवन डेज टू पावर जीरो एंड देयर इज नो नीड टू राइट दिस वन बिकॉज बाई डिफॉल्ट क्या होता है वन से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे एच सी एफ क्या आ जाएगा आपके पास में टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन नाव इट डिपेंड्स कि आपके ऑप्शन में आपके पास क्या है अगर पावर की फॉर्म में डाटा गिवन है तो पावर की फॉर्म में आप दे दो फैक्टराइजेशन फॉर्म में डाटा गिवन अगर मल्टीप्लाई करके एक कलेक्टिव नंबर आ रहा है तो उस फॉर्म में आप आंसर कर दो ओके okay? अब अब बात के केस में अगर हमारे पास में इस तरह से नंबर एच सी एफ आता है, है निकालना सभी को कैसे फाइंड आउट करते हैं अब बात आ रही है कि एक तो यही तरीका हो गया कि पहले इनके फैक्टर्स बना लो ऐसे और फिर उससे एच सी एफ निकाल लो बट वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है दूसरा आता है डिवीज़न मेथड ठीक है एंड थर्ड इज शॉर्टकट पहले डिवीज़न में बता देती हूँ एक बार जब भी डिवीज़न मेथड करते हैं वैसे तो आई होप सबको आता होगा बट फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे एक दो निकल आते हैं जिसको नहीं भी आता होगा कोई बात नहीं नहीं आता तो ना सही सीख लेंगे कोई इश्यू नहीं है ठीक है यहाँ पे सीखने के लिए ही बैठे हैं ओके तो अब उस केस के अंदर देखो क्या है जो बिगर वैल्यू उसको आप अंदर लोगे ठीक है क्या आ गया आपके पास अब क्या होगा कि जो आपका रिमाइंडर है दैट रिमाइंडर विल बिकम द डिवाइजर एंड द डिवाइजर विल बिकम द डिविडेंट ठीक है कब तक चलेगा ये वाला प्रोसेस वेन वी हैव ए रिमाइंडर जीरो जब तक कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो जाता अब उस केस में आप यहां पे देख रहे हो कि अब क्या आ रहा है आपके पास में जब हमने यहां पे ट्वेल्व लिया था उस केस में आपका क्या आ रहा था जीरो रिमाइंडर बच रहा था दैट मीन्स की एच सी ट्वेल्व एच सी एफ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा अभी जो कैलकुलेशन का पार्ट है बाद में जो क्वेश्चन है उसका मैं बीच में आप लोग खुद से करोगे मैं उसको स्किप कर दूंगी उस टाइम पे बट पहले एक बार सीख लो आई होप सभी को क्लियर है कर लोगे ओके okay. अब देखो अगर मान लो हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर है काफी बड़े बड़े नंबर है बिगर नंबर है इन दैट केस इट बिकम्स डिफिकल्ट कि डायरेक्टली हम कर लें अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो अब जैसे यहां हैं स्मॉलर नंबर है आप डायरेक्टली कर सकते हो कैसे चेक करोगे जब एच की हम बात करते हैं या तो इक्वल टू होगा आपके पास में स्मॉलर नंबर के या फिर लेस देन होगा तो उस केस के अंदर हम चेक करेंगे स्मॉलर को स्मॉलर क्या है यहां पे? थर्टी सिक्स एंड देन यू विल चेक अगर मैं थर्टी सिक्स को एट्टी फोर को तो डिवाइड करती हूं तो क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा अब उसके बाद में क्या करोगे आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो डिफरेंस कितना बन रहा है आपके पास ट्वेल्व बन रहा है अब ट्वेल्व को आप चेक करो क्या ट्वेल्व से दोनों डिविजिबल हैं यस होता डिविजिबल बाई दैट मींस एस सी अब कितना आ गया आपके पास ट्वेल्व आ गया सिंपल देर इज नो नीड टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स अब अगर मान लो ट्वेल्व से भी ना हो रहा होता फिर किससे चेक करते इस ट्वेल्व के फैक्टर्स ले लो आप ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या है आपके पास में ट्वेल्व हो गया फिर उसके बाद में सिक्स एंड फोर थ्री टू एंड वन हाइएस्ट से चेक करना शुरू करेंगे हाइस्ट से डिविजिबल है यहां पे तो है दैट मींस हो गया अगर ना होता देन चेक फॉर द नेक्स्ट चेक फॉर द नेक्स्ट इजीली कर लेंगे डन नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज इफ यू हैव सम वैल्यूज इन फ्रैक्शन एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आवर एच सी एफ और एल सी एम देन रिमेंबर अगर आपने निकालना है एल सी एम देन एल सी एम इज इक्वल टू वर्ट एल सी एम ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ द डिनोमिनेटर देखो ना एल सी एम निकालना तो एल सी एम ऊपर रखेंगे सीधी सी बात है ठीक है और एच सी एम जो सेकेंड पार्ट है दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर वैन बी फाइंड आउट द एच सी एफ देफ को ऊपर रखेंगे हम न्यूमरेटर में एच सी एफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एल सी एम ऑफ द डिनोमिनेटर